राजधानी भोपाल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने श्रमदान किया। पूरा देश स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लेकर श्रमदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर देशवासियों से अभियान में हिस्सा लेने की अपील की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पहले देशभर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बीजेपी ने सेवा स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का संदेश दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हाट बाजार में पहुंचकर झाड़ू लगाया और सभी को सफाई के लिए प्रेरित भी किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणाओं को भूल चुके हैं, सीएम घोषणा की डबल मशीन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता को गुमराह और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने टिकट वितरण को लेकर कहा कि पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रत्याशी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेस की नकल करने के आरोप लगाए। रैली का नौरादेव अभ्यारण्य वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है। यह प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। नई पहचान के साथ रिजर्व अब पर्यटकों के लिए खुल चुका है। टाइगर रिजर्व की सफारी के लिए वन्य जीव प्रेमियों ने बुकिंग भी कराई। पर्यटकों का वन विभाग के अधिकारियों ने हिनौती गेट पर स्वागत किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारण ने नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 70 में रहवासियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारण ने नागरिकों की स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सारण ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता और स्वस्थ बनाने के लिए देश में श्रमदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी स्वच्छता का संदेश देते हुए मंत्रालय के सामने झाड़ू लगाया। वीडी शर्मा ने कहा कि एक तारीख एक घंटा और एक साथ विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों के लिए समर्पित अभियान है। महू मंडलेश्वर स्टेट हाईवे पर जाम गेट के पास लगिया घाट पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दो स्कूली बच्चों को गंभीर चोट आई। घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। पता जा रहा है कि एक बच्चे का हाथ कट गया है। जानकारी के मुताबिक ये बस इंदौर के नव आदर्श विद्या निकेतन स्कूल है। विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मीडियाकर्मी जानकारी जुटाने पहुंचे तो मीडियाकर्मियों को हालांकि मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। पीटीआई आशुतोष सिंह राजपूत ने बताया कि मामले में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यह यात्रा के दौरान रथ सड़क किनारे ट्रांसफार्मर से टकरा गया। इसमें 3 लोग झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने 2 लोगों को हालांकि मृत घोषित कर दिया है। गंभीर रूप से झुलसे हुए एक युवक का इलाज अभी भी जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के चक्रतीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की और उसके बाद मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सीएम ने वेद व्यास धाम में जनसभा को संबोधित किया। हमीरपुर में राष्ट्रीय ध्वज का प्लेटफॉर्म भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शहर के बुंदेलखंड प्रवेश द्वार पर नगरपालिका ने राष्ट्रीय झंडा स्थापित कराया, लेकिन अब 8 महीने बाद ही प्लेटफॉर्म हल्की बारिश में ध्वस्त हो गया। बारिश में ध्वस्त हो चुका यह प्लेटफॉर्म करीब 12 लाख की लागत से बना था। इस पर लोगों ने अब सवाल उठाए। महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले रविवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देशभर में श्रमदान किया गया। शाहजहांपुर में भी प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राज्यसभा सांसद के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए झाड़ू लगाया। खिन्नी बाग में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई और लोगों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई। मथुरा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसकर ठगने वाले गिरोह की 2 युवतियों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन से लेकर स्कूटी और नगद बरामद हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक हाथरस सिकंदराव थाना क्षेत्र के फरियादी ने शिकायत की थी कि 2 युवतियां और कुछ 4 युवक ने मिलकर उसे बंधक बनाया।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा के अगवा होने और पुल से नीचे फेंकने के मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने खुद आत्महत्या की कोशिश की थी। पहले दावा किया जा रहा था कि अपहरण कर बदमाशों ने उसे नदी में फेंका, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद छात्रा अकेली ही पाई गई। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में कपल और कर्मचारी में ही विवाद हो गया, जिसके बाद कपल के परिवार वालों ने कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। यह मामला सिविल थाना क्षेत्र का है, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। कपल रेस्टोरेंट में कुछ अजीब अश्लील हरकतें कर रहा था, कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो परिवार के लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने विधायक दया शंकर सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टर्स को जिला बदर किया। दोनों इंस्पेक्टर पर सांसद कीर्ति वर्धन के गुर्गों के साथ जमीन हथियाने के आरोप लगे। पीड़ित गुरबचन कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल एसपी गोंडा को निर्देशित किया। कासगंज में ईंट भट्टे पर तैनात बिहार के एक मजदूर ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था तो पति ने ईंटों से कुचलकर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शराबी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी में महिला स्वास्थ्यकर्मी का शव कमरे में लटकता पाया गया। मामला बेवर थाना इलाके का। पीएचसी मानपुर हरी पर तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी का शव उसी के मकान में लटका मिला। पति ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। फिलहाल जांच जारी। ये मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी नेता केदार कश्यप और लता ओसेंडी ने कहा कि पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये मोदी प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बीच निजीकरण को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। छुरिया में गांधी जयंती के मौके पर स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में जिला महामंत्री ग्रामीण कांग्रेस जनपद सदस्य नगर कोहरा में स्वच्छता अभियान में वो शामिल हुए। जनपद सदस्य के साथ साथ ग्राम पंचायत सरपंच, शिक्षक और ग्रामीणों ने भी साफ सफाई की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 4 बजे राजीव भवन में होने वाली थी। इस बैठक में केंद्रीय नेता भी शामिल हुए। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जोशी भी बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। देशभर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। रेलवे विभाग के तमाम कर्मचारियों ने श्रमदान किया। डीआरएम ने स्वच्छता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के 107 स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सफाई की गई। रायपुर के धरसीबा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में राजनीति तेज हो चली है। घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। इनके साथ ग्रामवासी भी धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि 14 साल के नाबालिग पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से बलात्कार किया। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची के परिवार वालों ने प्रशासन पर सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया। सूरजपुर के रामानुज नगर में एक महिला पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने का यह सनसनीखेज मामला। महिला 80% तक जल चुकी है, लेकिन जिला अस्पताल में बर्न यूनिट न होने के कारण उसे अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और महिला के बयान दर्ज किए गए। अमरवाड़ा के तारन तरन जैन समाज ने रजत जिनवाड़ी पाल की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान जैन मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके बाद पाठशाला के बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के पुरस्कार बांटे गए। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। कार्यक्रम में समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
अमरवाड़ा में रविवार को कांग्रेस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, बीएसपी गोंडवाना, गणतंत्र पार्टी, मेहरा समाज संघ, वंशकार समाज के पदाधिकारियों ने नगर में हुई हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकाली और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डहरिया दंपत्ति को आरोपी प्रिंस मालवीय ने दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसकर गोली मारी। हमीरपुर में बिजली विभाग ने छापे डालकर 6 बिजली के कनेक्शन काट दिए। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने मुख्यालय के रोमेटी मोहल्ले में छापेमारी कर कुल 65 कनेक्शन चेक किए थे। विद्युत विभाग के एसडीओ हरिश्चंद अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर बकायेदारों ने जिनने बिल जमा नहीं किए थे उनके कनेक्शन काट दिए गए। जांजगीर में एक युवक ने फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक दोपहर के समय लंच के लिए घर गया लेकिन लंच के बाद शेड के रेलिंग से लटकता मिला। 21 साल के युवक का नाम करण धीवर है जो खोखरा का रहने वाला है। मृतक के भाई ने बताया कि करण दरअसल घर से खाना खाकर काम के लिए निकला था। किसी को नहीं पता था कि करण ने आत्महत्या क्यों की। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही। ठाकुरों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाकर जौनपुर में क्षत्रिय स्वराज समिति ने मनोज झा का पुतला फूंक दिया, जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह और तमाम अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने चुनाव से पहले राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले सहायिकाओं ने 3 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और इस कार्यक्रम में उपस्थित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। कानपुर में सड़क किनारे बने नाले पर क्रेन से पत्थर की पट्टिया बिछाई जा रही थी और इसी के चलते सड़क पर जाम लग गया। कोयला नगर चौकी के सिपाही जाम खुलवाने के लिए जूझते नजर आए। इस बीच उल्टी दिशा से स्कूटी सवार महिला को सिपाहियों ने जब रोका तो उस महिला ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सिपाही ने मोबाइल से महिला का वीडियो बनाने की कोशिश की तो महिला दारोगा ने फोन छूकर उसका फोन तोड़ दिया। लाहौर में बीजेपी नेता रसाल सिंह दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दूसरी लिस्ट में लाहौर विधानसभा से पार्टी ने अबरीश शर्मा को टिकट देने की घोषणा कर दी। इसके बाद रसाल सिंह ने मंच से कहा कि उन्होंने 5 दिन का समय दिया है कि अगर पार्टी ने 5 दिन में टिकट नहीं बदला तो वो अपना निर्णय लेने को मजबूर होंगे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर भी सवाल उठाए। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर छात्रों ने रैली निकाली। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आल मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक छात्रों के सहयोग से एक रैली निकाली और समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके अनुभवों का लाभ उठाने का आह्वान किया। मथुरा के मुकुंद पैलेस में राष्ट्रीय मौन संघ के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय मौन संघ के करीब 500 कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में मधुमक्खी पालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए इस पर विचार किया गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल और संरक्षक जवाहरलाल ने संयुक्त रूप से बताया इस कार्यक्रम में 16 प्रदेशों के मधुमक्खी पालन करने वाले व्यापारियों ने भाग लिया। हत्या के मामले में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने वालों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि 20 मार्च को साल 2019 में परा क्षेत्र में गोपाल की नामजद आरोपियों के द्वारा हत्या की गई। इस हत्या के मामले में मुलजिम उस वक्त जेल गए थे और इस मामले में आरोपी को सजा होने वाली थी लेकिन इसी के चलते गवाह और वादी को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा गया था आरोपियों के द्वारा। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने जयपुर में मुस्लिम युवक की मौत को लेकर मचे हंगामे पर अपना विचार व्यक्त किए। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखते हुए इस बिल को एक धोखा करा दिया। एसटी हसन ने कहा कि राजनीति मजहब के हिसाब से नहीं विकास पर होनी चाहिए। साथ ही साथ अमेठी के संजय गांधी अस्पताल बंद करने को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। बहराइच में जंगली सुअर के साथ लड़ाई में बाघ की मौत हो गई। घायल बाघ को वन विभाग ने रेस्क्यू कर भेजा और बाघ के शरीर पर कई जगह घाव पाए गए। करतिनिया घाट वन्यजीव प्रभाग अंबा का ये पूरा मामला। छिंदवाड़ा के छोटा तालाब के पास युवक की हत्या हो गई। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दो युवकों में विवाद हुआ जिसके बाद कटर से हमले में एक युवक ने दम तोड़ दिया और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।
सहारनपुर में तेंदुए के दिखने से गांव में दहशत का माहौल है। कुछ लोगों को रात के समय तेंदुआ एक पुलिया पर बैठा दिखा, इसका कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद से क्षेत्र में डर का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम गाँव में रेस्क्यू करने पहुंची। राजनांदगांव जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला की फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति को गिरफ्तार किया। आपसी कलह के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले की कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 1.5 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वृंदावन में वृद्धजनों के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर शनिवार को धर्म नगरी वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में चैतन्य विहार पर महिला आश्रय सदन में ये कार्यक्रम हुआ। वृद्ध माताओं को बधाई देकर उनका सम्मान किया गया, साथ ही उनके अधिकारों के बारे में जानकारी। तीर्थ नगरी वृंदावन को जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन स्मार्ट सिटी को ना बनाकर जाम सिटी बनाने में लगा हुआ है। लोगों को जाम से होकर यहां गुजरना पड़ रहा है। रविवार को वृंदावन की सड़कों पर ऐसे ही कुछ हालात देखने को मिले। बरेली में विधानसभा चुनाव आने से की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तहसील किसान भवन में रायसेन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर ऑफिसर्स के रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में प्रशिक्षण हुए और 320 शासकीय कर्मचारियों को 2 सत्र में प्रोजेक्टर के जरिए जानकारी दी गई और 1 घंटे बाद इनकी परीक्षा। पीएम मोदी के बस्तर आगमन पर संभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जगदलपुर कृषि उपज मंडी में अपनी सभा की, जिसमें तमाम मांगों को लेकर मोदी सरकार को अपने अधिकारों पर ध्यान आकर्षित करने की एक पहल शुरू की। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने नियमितीकरण और विभागीय प्रमोशन की मांग रखी। गोंडा जिले में मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए जगह जगह हो रहे धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कनलगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी ने कहा कि धरना समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अगर जनपद गोंडा में बन जाता है तो जो शिक्षा के दुकानदार हैं उनकी दुकान बंद हो जाती, इसलिए इन लोगों ने गोंडा में विश्वविद्यालय बनने नहीं दिया। वही सीएम शिवराज ने चंदेरी में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने प्रसिद्ध जागेश्वरी मंदिर को जागेश्वरी लोक बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मंदिर पर जागेश्वरी लोक जल दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने चंदेरी में कुल 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अशोकनगर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां शाडोरा से करीब 8 किलोमीटर दूर रेंझा गांव के पास खेत में महिला घायल अवस्था में मिली। महिला का आरोप है कि 4 लोगों ने उसे जबरन कार में बिठाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी महिला को बेहोशी की हालत में खेत में फेंककर भाग गया। उधर पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। आरोपियों की तलाश। अमरवाड़ा नगर में बीजेपी प्रत्याशी बदलने को लेकर हिंदू अनुषांगिक संगठन और उत्तम ठाकुर के समर्थकों ने रैली निकाली। हिंदू अनुषांगिक संगठन और उत्तम ठाकुर के समर्थकों ने बताया कि पैराशूट उम्मीदवार मोनिका साह बट्टी को टिकट दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन में साफ सफाई को उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय ने 14 मिनट के मेडिकल योजना का सफल शुरुआत की। रानी कमलापति स्टेशन पर यह पहली बार हुआ। मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी की मौजूदगी में जबलपुर रानी कमलापति वंदे भारत ट्रेन के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों को उतरने के बाद वंदे वीरों ने कुल 14 मिनट में कोचों की सफाई की।